तो दोस्तों, मैंने मॉर्निंग में एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर मैंने बताया था कि YouTube का भी एक नया रूल आया है जहां पर आपको एडसेंस अकाउंट पे अपना टैक्स इन्फॉर्मेशन जो है सबमिट करना होगा, क्योंकि अभी US का ये रूल आया कि US से आपका जो भी व्यूज़ आता है उस पर आपको जो है टैक्स देना है। तो इसके लिए आप टैक्स सबमिट जो करना होगा, तो अभी आप एडसेंस के अकाउंट जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको एक एक्शन का बटन मिल जाएगा जहाँ पर आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन सारा सबमिट करना है। एक फॉर्म है, उसको अप्लाई करना है, पूरा फिल करना है। तो अभी इस वीडियो पर मैं दोस्तों आप लोगों को बताऊंगा कि उस फॉर्म को कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं दिखाऊंगा ताकि आप कोई भी गलती ना करो। तो चलिए अभी मैं चलूंगा अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर करके दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पर आपको क्या क्या जो है भरना है, क्या क्या फिल करना है और कैसे टैक्स इन्फॉर्मेशन को सबमिट कर सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पर देख सकते हो, जब भी आप अपना एडसेंस अकाउंट को लॉग इन कर लेना, चाहे आप फोन पे कर रहे हो या फिर लैपटॉप पे चलेगा। तो आप जब भी अपना एडसेंस अकाउंट को लॉगिन करोगे तो आपके सामने इस तरह के एक बैनर ऊपर में दिखने को मिलेगा जहाँ पर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट चेक इट एडिशनल टैक्स इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर एक बटन मिलता है आपको मैनेज टैक्स इन्फो, यहाँ पर आपको सिंपली से क्लिक करना है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जल्दी जल्दी करके मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि ज़्यादा समय ना लगे। मैनेज टैक्स इन्फो के ऊपर में क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक बटन आ जाएगा एड टैक्स इन्फो, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एक नया पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड मांगा जाएगा आपका ईमेल अकाउंट का, एडसेंस का। तो वहाँ पर आपको पासवर्ड डाल के फिर से नेक्स्ट कर देना है, इससे ये वेरीफाई करेगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, ये हो गया है लॉगिन और ये देखिए इस तरह का आपके सामने पेज आ जाएगा जहाँ पर लिखा होगा यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स इन्फो। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको आता है ऑप्शन दो, एक इंडिविजुअल, एक है नॉन इंडिविजुअल या फिर एंटिटी। तो आपको इंडिविजुअल का मतलब होता है कि आपका अगर इंडिविजुअल अकाउंट है, मतलब सिर्फ आप चलाते हो, तो इंडिविजुअल पर क्लिक करना है। अगर आपका बिजनेस अकाउंट है तो यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं इंडिविजुअल करता हूँ, देन आपको करना है नेक्स्ट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है आर यू सिटीजन और रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब क्या आप US के रहने वाले हो, तो मुझे करना है नो, देन आपको करना नेक्स्ट। उसके बाद आपको जाना है नीचे और यहाँ पर देखिए दोस्तों दो ऑप्शन आएगा, W8BEN और एक आएगा W8ECI। तो ये क्या है कि सबसे पहला, अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट है तो आपको ऊपर वाला क्लिक करना है, अगर आपका बिजनेस अकाउंट है तो आपको नीचे वाला करना है। सिंपल से यही तरीका है, ये है इंडिविजुअल मेरा, तो चलिए मैं करता हूँ इंडिविजुअल पे, फिर नेक्स्ट कर देना है। तो कुछ इस तरह से आपका लेगा लोडिंग आपका पेज। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहला नाम आ जाएगा आपका एडसेंस अकाउंट का, तो यहाँ पर आपको नाम तो दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर DBA देखिए डूइंग बिजनेस, अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो यहाँ पर नेम देना है उस बिजनेस का, तो वो नहीं करना है आपको, कंट्री सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट कर लेता हूँ इंडिया, यहाँ पर हो गया कंट्री सिलेक्ट। फिर नीचे जाना है और यहाँ पर देखिए फॉरेन टीन, यहाँ पे आपको फॉरेन टीन के जगह में अपना पैन कार्ड नंबर डालना है और पैन कार्ड वहीं होना चाहिए जो कि एडसेंस अकाउंट जिस नाम से बना हुआ है उसी के नाम से पैन कार्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालना है, तो चलिए मैं पैन कार्ड नंबर अपना जल्दी से डाल देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर मैंने डाल दिया है और पैन कार्ड नंबर डालने के बाद आपको सिंपली से यहाँ पर कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने फिर ऑप्शन आ जाएगा कुछ, तो ऑप्शन में ये है कि आपको सबसे अब आपको जो है एड्रेस भरना है और परमानेंट एड्रेस रेजिडेंट एड्रेस है तो यहाँ परमानेंट पर क्लिक कर देना है। देन आपको नीचे जाना है, सारा एड्रेस भी आपको वहीं भरना है जो आपका एडसेंस अकाउंट में आपने जब भर के रखा हुआ था, तो सेम टू सेम आपको वहीं भरना होगा। चलिए मैं अपना एड्रेस जल्दी जल्दी से फिल कर लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करने के बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है पोस्टल एड्रेस इज सेम, तो अगर आपका पोस्टल एड्रेस सेम है तो सेम पे क्लिक कर देना है, अगर नहीं है तो फिर से उसको फिल करना पड़ता है। यहाँ पर मैं सेम कर देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आता है आर यू क्लेमिंग ए रिड्यूस्ड रेट ऑफ ई वाला ट्रीटी, तो ट्रीटी में आपको यहाँ पर करना है यस, ठीक है रेजिडेंस। अब यहाँ पर आपको कंट्री सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ क्लेमिंग और कंट्री में फिर से आपको यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर जाना है नीचे और यहाँ पर फिर यहाँ पर क्लिक करना सर्विस और यहाँ पर आर्टिकल एंड पैराग्राफ लिखा हुआ, वहाँ पर आर्टिकल 7 करना है और ये 0% करना है रिड्यूस रेट, ठीक है। फिर से आप जाओगे नीचे, फिर इसको क्लिक करना है, फिर यहाँ पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आर्टिकल पैराग्राफ में आर्टिकल 12 करना है, फिर रेट में रिड्यूस रेट 15% करना है, फिर जाना नीचे, फिर यहाँ पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपको जाना है आर्टिकल 12 क्लिक करना है, फिर यहाँ पे रिड्यूस रेट में आपको 15% करना है। ये आप एक बार क्लियर देख लो, ये सारा आपको तीन इस तरह से करना होगा, एक में रिड्यूस रेट 0 होगा, एक में 15, एक में 15। यहाँ पर क्लिक करते हुए नीचे आना है, फिर यहाँ पर क्लिक कर देना है, देन नेक्स्ट कर देना है। अब गाइज यहाँ पर जो है आपका फॉर्म पूरा फिल हो चुका है कंप्लीट, यहाँ पर देखिए आपका फॉर्म दिख रहा है। अब आपको सिर्फ आई कन्फर्म के ऊपर में क्लिक करना होगा और यहाँ पर नेक्स्ट करना होगा। तो आप नेक्स्ट जाओगे, फिर नीचे आएगा, यहाँ पर फुल लीगल नेम डालना है, जो आपका आधार ये पैन कार्ड में नाम लिखा हुआ वही आपको डाल देना है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ नाम। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपको यस करना है, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके आपको कर देना है नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट करोगे तो आपके सामने फिर से दो ऑप्शन आ जाएगा, एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज परफॉर्म्ड इन द US, तो यहाँ पर आपको करना है नो
और यहाँ पर एक में, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि एक में लिखा हुआ है कि टैक्स इन्फो फॉर न्यू एग्जिटिंग पेमेंट और एक में लिखा हुआ एन एग्जिटिंग पेमेंट्स। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने कोई भी रिसीव अभी तक पेमेंट रिसीव नहीं किया है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आपका एक भी पेमेंट रिसीव हो चुका है अभी तक, मतलब एडसेंस से, यूट्यूब से, तो आपको नीचे वाला में क्लिक करना है। तो ये जो है दोस्तों मेरा एडसेंस अकाउंट ये न्यू है, इसमें कोई भी पेमेंट नहीं आया है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ठीक है, क्योंकि अभी एक भी पेमेंट नहीं आया है। उसके बाद मैं कर दूँगा सबमिट। अगर आपका पेमेंट आ चुका है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, फिर कर देता हूँ सबमिट। यहाँ पे एक टिक करना था, टिक करके सबमिट करना है। तो ये गाइस अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कुछ आप इस तरह का आएगा, अप्रूव्ड, क्लेम्ड, 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 ठीक है। तो ये हो गया है कंप्लीट, मेरा सबमिट कंप्लीट हो गया। अब एक गूगल एडसेंस की ओर से ईमेल आएगा और टैक्स इन्फॉर्मेशन सबमिटेड सक्सेसफुली इस तरह का एक आ जाएगा, तो वो हो जाएगा, ठीक है। मतलब इतना ही काम आपका है, इतना कुछ करना है जो कि मैंने दिखा दिया है करके। तो बस ये है सिंपल सा तरीका, जो भी मैंने दिखाया वैसे ही आपको करना है। सो आई होप गाइज आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया है कि कैसे कैसे फिल करना है, क्या करना है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए आज के लिए इतना है, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।